नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी दौरान वे परिवार के साथ वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में सिद्धू ने गंगा घाट पर पूजा अर्चना की और बीमार पत्नी के लिए प्रार्थना की। भक्तिभाव के साथ मंदिर में काफी देर तक बैठे रहे। एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर होता है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है। जो समय इस घाट पे गंगा माई के किनारे इतिहास का गौरव देखते हुए बिताया, वो मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात है, पुण्य तिथि है, पुण्य मास है। ऐसे समय पे आता ही वो है जिसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य किया हो जो फलित होता है। जैसे तिलों में तेल है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बनके हर एक मनुष्य कण कण में जन जन में बसा है। जो क्रिएशन है वो क्रिएटर ने अपनी कुदरत में ही बसाई है। जो इसका सम्मान करेगा, इसकी वृद्धि के लिए काम करेगा, विश्व के कल्याण की मनोकामना करेगा और उस कर्म में आगे बढ़ेगा, वही कर्म योगी है और वही उसका खुद का कल्याण होगा।